problems again in the language and this was from the Bible and was RPA. अभी देखिए दो फिक्स रहेंगे, एक तो ऑटो में आयशर मोटर, मुझे लगता है आयशर मोटर में जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके बाद आज से 20 सेवा है, तो ये करीब कहाँ तक जाएगा? 3000 उसका इसका टारगेट है, स्टॉपलॉस होगा 3790 का। एट द सेम टाइम पूरी नज़र मेरी जो है वो मेटल सेक्टर पर है, और उसमें से जो सबसे बढ़िया मुझे नज़र लगता है कि जो बड़ा मूव देगा वो है JSP अजिंदा स्टील। इस समय बहुत जो ब्रेकआउट रादर मैं कहूँगा कि ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, 700 के परे चला जाएगा तो शॉप पर ही तेज होगी। तो JSPL बाय करेंगे 690 के स्टॉप लॉस के साथ, 720-725 ये इसका इंटरेस्ट इनका टारगेट होगा। ओके चलिए, कुछ ही देर में सौरभ मुखर्जी को जोड़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक और स्टॉक का चार्ट चेक ले लेते हैं। एक बार इंडस टावर वापस लेकर आइए, इंडस टावर में एक अच्छा मूव इस समय ले आए बड़े स्टॉक। यहाँ पर कोई व्यू आपका इस समय राजेश चतुर्वेदी? एग्जैक्ट सपोर्ट पे खड़ा है, भारती में स्ट्रेंथ है, इसमें भी स्ट्रेंथ है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्विंग ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस रखते हैं 188 का, और जो स्विंग का टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 198 to 200। चलिए ठीक है, तो ये कुछ समय ट्रेड आप फ्यूचर एक काम करते हैं, फिर मार्केट वॉइस की बात करते हैं, मार्केट फंडामेंटल्स को बात करने के लिए मास्टर्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी मौजूद है, जो कि देश के जाने माने पोर्टफोलियो मैनेजर्स में गिने जाते हैं। सौरभ मुखर्जी स्मॉल कैप केस पर एक अच्छी पकड़ रखते हैं, और चैनल पर खैर काफ़ी समय से सौरभ आ रहे हैं, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सौरभ मुखर्जी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ चुके हैं, और एम्बिट कैपिटल के CEO रह चुके हैं, सभी के कई वर्किंग ग्रुप से जुड़े हैं, और जैसे मैंने कहा कि एक देखिए 25 साल से JSP बैंक अच्छे रिजल्ट दे रही है, ये रिजल्ट भी अच्छे थे, देखा तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, समझना कि रिजल्ट अच्छे थे, तीन आंकड़े देता हूँ। और HDFC लिमिटेड को 1% हो जाएगी, एक्सक्लूडिंग HDFC लिमिटेड देखें, HDFC बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम YOY करीब 30% चला हमारा, एक्सक्लूडिंग HDFC लिमिटेड अगर देखें HDFC बैंक की LTA रेशियो आई है, ग्रॉस LTA रेशियो 1.12% का, ये दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक के मुकाबले